तो हेलो एस एफ गाइस, कैसे हम लोग वापस एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, वैसे थंबनेल एंड वो देखकर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पबजी बीजीएमआई बैन। तो मेरे को पता नहीं बीजीएमआई बैन हुआ है कि नहीं, बट मैं जब यहाँ फिर मैंने कुछ जनों से सुना कि पबजी बीजीएमआई बैन हो चुका है, मैं सोचा ये क्या हुआ है। तो गाइज मैंने सुना कि पबजी बीजी में बैन हो चुका है, तो मुझे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि पबजी बीजी में बैन हुआ है कि नहीं। तो आज का वीडियो इसके बारे में पूरा बनने वाला है, एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो वीडियो को पूरा स्किप कर दोगे तो आप बहुत सारी चीज़ मिस कर दोगे। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। यार गाइस, सबसे पहले मेरे को पता चला कि बीजीएमआई बैन हो चुका है, तो मैंने पूछा कि हाँ रियली सच में, तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। कि पहले मेरे को पता चला था कि पबजी बीजीएमआई बैन हो चुका है, मैंने एक जन से सुना, तो मेरे को लगा पबजी बीजीएमआई बैन हो चुका है लिटरली। तो वो लोग मेरे को बोले हाँ पबजी बीजीएमआई बैन हो चुका है, अभी प्ले स्टोर पर नहीं दिख रहा है हम लोगों को। एंड अभी मैंने उन लोगों से फिर सबसे पहले एक चीज़ पूछा कि तुमने क्या मतलब न्यूज़ चैनल में देखा, तो वो लोग बोले कि नहीं। तो मेरे को इस बारे में सबसे पहले पता करना था, तो मैंने सबसे पहले गया प्ले स्टोर पे, तो प्ले स्टोर में मेरे को जाके कुछ ये दिखता है। तो यार गाइस मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर पे, अभी प्ले स्टोर में मैंने लिख के रखा था, फिर भी लिख लेते हैं BGM, रुको इस खाटा में आई BGMI। तो BGMI मैं जब सर्च कर रहा तो इधर मेरे को मतलब कुछ भी नहीं आया, कॉल ऑफ ड्यूटी, न्यू स्टेट मोबाइल वगैरह वगैरह सब कुछ आ रहा है, बट BGMI अभी तक नहीं आ रहा है। बस GFX टूल वगैरह सब कुछ आ रहा है, फिर इधर पे कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आ रहा है, फिर बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं बट BGMI नहीं आ रहा है। तो अभी BGMI प्ले स्टोर में आप देख ही सकते हैं, अभी नहीं आ रहा है सर्च करने पर भी। तो यार गाइस सबसे पहले आप लोगों ने तो देख लिया, अभी मतलब प्ले स्टोर में भी नहीं दिख रहा है पबजी BGMI। तो मेरे को लगा कि चलो पबजी BGMI तो प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है, मैं ऑफिशियल रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। तो पबजी BGMI का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ गूगल पे, अभी गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं। मैंने पहले से सर्च करके रखा था पबजी BGMI बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का न्यूज़ पढ़ लेते हैं पहले, न्यूज़ पे क्या दे रहा है लोग। न्यूज़ के तो बैन के बारे में भी कुछ नहीं दिखा रहे इधर, पबजी मोबाइल ब्ला ब्ला ब्ला, 1 घंटे पहले, सभी 1 आवर्स पहले, भाई इन लोगों को छुआ है इसको। मैं ये पढ़ लेता हूँ पहले स्टेटमेंट BGMI3। तो यार गाइस आप लोग ऐसे करके पढ़ लो कि क्या या इधर इशू है वगैरह वगैरह, बट मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, रुको पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो चलो आप लोग भी अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऐसे बैक कर लो, फिर ऐसे जाओ एक और ट्यूटोरियल वीडियो, फिर इधर जाओ, इधर जाके स्क्रीनशॉट वगैरह पे जाओ, जाने के बाद इसको पढ़ने पे लगा दो। भाई हम क्यों पढ़े भाई, हम तो पूरा आलसी इंसान है भाई, हम नहीं पढ़ेंगे, गूगल से पढ़वाएंगे। भारतीय गेमिंग समुदाय में भ्रमित करने वाली भावनाओं का एक बड़ा झटका अभी अभी आया है, क्योंकि प्रशंसक पसंदीदा बैटल रॉयल शूटर BGMI को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से अभी अभी सूचीबद्ध प्रतिबंधित किया गया है। गेम वर्तमान में iOS या एंड्रॉयड पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिनके पास गेम इंस्टॉल है वे अभी भी सव तक पहुँच सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। गूगल की एक आधिकारिक टिप्पणी ने पुष्टि की कि प्ले स्टोर से निष्कासन एक सरकारी आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम था। हमने BGMI को हटाने के संबंध में क्राफ्टन से संपर्क किया और वर्तमान में आधिकारिक बयान से पता चलता है कि प्रकाशक वर्तमान में गूगल से स्पष्टीकरण मांग रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई विवादों के परिणाम स्वरूप BGMI हाल ही में न केवल भारतीय गेमिंग समुदाय के भीतर एक हॉट बटन विषय बन गया है। तो यार गाइस आप लोगों ने सुन लिया होगा कि गूगल वाले क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बोल कह रहे हैं। भी पबजी वालों को भी पता नहीं है कि इसका क्या इशू है, बट क्या हुआ है पबजी BGMI मैं तो खेल पा रहा हूँ, मेरा इशू चल रहा है, लेकिन कुछ सरकारी निर्देश की वजह से
ये सब होया है, बट अभी कल तक मेरे को सब पता चल जाएगा। मैं कल तक पूरा सारा रात रिसर्च करूँगा, फिर कल को एक शाम के टाइम को एक और वीडियो लाऊंगा। एंड शाम के टाइम के एक और वीडियो देखने के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इस बारे में सब कुछ आप लोगों को डिटेल में मैं ही बताऊंगा, सब सब दे दूंगा भाई यार, सब दे दूंगा, बस सब्सक्राइब मारो आप। एंड अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं गूगल से पढ़वाया, मैंने नहीं पढ़वाया, मतलब मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कतें आती है, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश में बहुत बहुत ही ज़्यादा कच्चा हूँ, मैं उतना ज़्यादा वो नहीं बोल सकता हूँ। बट कोई भी, आप लोगों को तो सुनवा ही है कि क्या हुआ है, क्या इशू है, पबजी प्ले स्टोर में क्या क्यों हटा, क्यों सरकारी नीति से हटा वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं ये फिर से चला रहा हूँ, फिर से सुन लो। भारतीय गेमिंग समुदाय में भ्रमित करने वाली भावनाओं का एक बड़ा झटका अभी अभी आया है, क्योंकि प्रशंसक पसंदीदा बैटल रॉयल शूटर BGMI को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से अभी अभी सूचीबद्ध प्रतिबंधित किया गया है। गेम वर्तमान में iOS या एंड्रॉइड पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिनके पास गेम इंस्टॉल है वे अभी भी सवा तक पहुंच सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। गूगल की एक आधिकारिक टिप्पणी ने पुष्टि की कि प्ले स्टोर से निष्कासन एक सरकारी आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम था। हमने BGMI को हटाने के संबंध में क्राफ्टन से संपर्क किया और वर्तमान में आधिकारिक बयान से पता चलता है कि प्रकाशक वर्तमान में गूगल से स्पष्टीकरण मांग रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई विवादों के परिणाम स्वरूप BGMI हाल ही में न केवल भारतीय गेमिंग समुदाय के भीतर एक हॉट बटन विषय बन गया है। तो यार गाइस, आप लोगों ने तो फिर से सुन ही लिया होगा कि पबजी वाले क्या कर रहे हैं, मतलब क्या बोलने का चाहते हैं। एंड अभी क्या कर सकते हैं, पबजी पूरा प्ले स्टोर से अभी रिमूव कर चुका है, एंड कुछ दिक्कत की वजह से ये सब हो रहा है। बट अभी ये सब पबजी वाले को भी पता नहीं है, पबजी वालों को अगर पता चल जाएगा, मतलब BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कॉरपोरेशन को, क्राफ्टन को, तो ये भी फिक्स करने की कोशिश करेंगे। एंड उनको भी नहीं पता है गाइस कि उन लोग ऐसे ही बोल देंगे 2 दिन के लिए हम लोगों का गेम रिमूव कर दो। कुछ इशू तो हुआ है, कुछ तो इशू है। एंड अब BGS का भी मैंने जैसे कि पहले बताया, BGS का आज ही से शायद से वो शुरू हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन, एंड अगले महीने से वो होगा। तो अभी क्या कर सकते हो, पूरा साइड मतलब पूरा साल अभी कौन लोग ग्राइंडिंग करेगा। देखो, एक साल तो PGPMC के मतलब पबजी जो PGPMC टूर्नामेंट होता है, एक साल का तो ऐसे ही गैप रह चुका है। फिर अभी अगर फिर से होगा तो PGMI के फिर से एक और गैप हो जाएगा, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा फिर गेमर्स को, जैसे कि मोर्टल, डायनामो, मतलब डायनामो तो शायद से भी नहीं खेलता, पता नहीं, डायनामो, फिर मेरा फेवरेट जोनाथन। कैसे वैसे आप लोगों का कौन सा, मतलब कौन सा प्लेयर सबसे फेवरेट है कमेंट करके प्लीज़ बताओ। एंड PMC के अलावा मेरा तो सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट है मेरा श्रीमान लेजेंड, क्योंकि भाई श्रीमान लेजेंड का जो वॉयस है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसका ठीक से देख भी नहीं पाता क्योंकि मेरे को अभी टाइम भी नहीं मिलता, बट मेरा फेवरेट श्रीमान लेजेंड। एंड PMC के अंदर, मतलब टूर्नामेंट के अगर अंदर आओ तो जोनाथन, भाई जोनाथन गॉड लाइक के ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं है। एंड पबजी BGMI का भी क्या हुआ है, ऑफिशियल रिपोर्ट मैंने अभी आप लोगों को तो सुना ही दिया। पबजी BGMI का खुद का ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, बट मतलब और जो एप्लीकेशन वगैरह जो रिपोर्ट ऐसे फैक्स वैक्स निकालते हैं उनका रिपोर्ट है ये। एंड अभी मैं कल तक एक और वीडियो लाऊंगा कि पबजी BGMI क्यों बैन हुआ वगैरह वगैरह। एंड ये वीडियो शायद से अभी या थोड़ी देर पहले ही पोस्ट हो जाएगा, बाद ही, मतलब थोड़ी देर बाद ही पोस्ट हो जाएगा, मैं डायरेक्ट पोस्ट ही करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्या इशू होता है पबजी BGMI का। एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारे ढेर सारे न्यूज़ पता चलना चाहिए।